थाना कुतुबशेर पुलिस ने अवैतनिक भरण पोषण के मामले में वारंटी अभियुक्त कुग्राम सबदलपुर से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने अवैतनिक भरण पोषण के मामले में वारंटी अभियुक्त हैदर अली कुग्राम सबदलपुर से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर, उप निरीक्षक अजब सिंह मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में बजरंग दल, भीम आर्मी, प्रधान संगठन एवं अन्य दलों के साथ पहुंचे परिजनों ने बेटी की हुई हत्या के मामले में की कार्रवाई की मांग। आपको बता दें, गांव मुल्लापुर कदीम का रहने वाला परिवार बजरंग दल, भीम आर्मी, प्रधान संगठन एवं अन्य दलों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचा। पीड़ित परिवार का आरोप था कि उनकी बेटी बेहट थाना क्षेत्र स्थित एक अस्पताल में नर्सिंग का काम सीख रही थी, जहां पर उसकी अस्पताल के लोगों द्वारा हत्या की गई, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने बताया कि पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने संगठनों के साथ पहुंचकर कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। मैं नाम मांगे राम, मेरा गाँव मुल्लापुर कदीम पड़ता है। क्या मामला सर? मेरी एक बच्चिया है कि जिसका देहांत हुआ, जो मार दी गई है, वो जो है सुबह जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में जो है अप्रेंटिस कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी कि आईएमटी का कोर्स किया था, वो करीबन 6-7 महीने से अप्रेंटिस कर रही थी। 5 तारीख की सुबह ही 8:30 बजे घर से गई, 9 बजे जो है हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल जाने के बाद जो है रात को हमारे फोन आता है करीबन 8:30 बजे, तो अस्पताल की जो डॉक्टर है वो कहती है अब आज जो है हमारे यहाँ से 2 इमरजेंसी केस है, लेडीज है, केस है, बच्चा होने वाला है, इसलिए आज जो है सुबह घर पर नहीं आई। उसके बाद जो है सुबह को रात भर सकून से कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या परेशानी थी। उसके बाद भी कई दफर जा चुकी है, 7-8 महीने में से करीबन 10 बार वहां पर रही है, ये नहीं कोई पहली बार रही है। उसके बाद जो है करीबन जो है 10-10 बजे हमारी छोटी गुड़िया के पास फोन आता है, अब तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है, इसको आकर के देख लो। जब मेरी छोटी गुड़िया वहां पर पहुंचती है सर, तो वो उसकी हार लीज है, वो मरी हुई पिली वहां पे, और हॉस्पिटल की बजाय उसे हॉस्पिटल से बाहर एक फोल्डिंग पे डाल के रखी है। रात में या दिन में? दिन में सुबह 10:30 बजे गई कैसे, जब हमारी गुड़िया वहां पहुंची सुबह 10 बजे, 6 तारीख की सुबह 10 बजे, उस गुड़िया की हालत ऐसी थी कि उसके मान्य बाथरूम भी और लैट्रिन भी उसने कपड़ों में ही कर रखा था, इतनी बुरी हालत थी और बड़ी पड़ी थी। जब हमारी गुड़िया ने हेल्प मांगी उनसे कि मेरी हेल्प कर दो, तो किसी स्टाफ ने हेल्प नहीं की, बल्कि इधर उधर भागने लगे। यहाँ तक कि आसपास के जो दुकानदार है उन्होंने फिर गुड़िया ने एक ऑटो किया, और उसके बाद जो दुकानदारों ने उस गुड़िया को उसमें ऑटो में लगवाया, फिर गुड़िया जो है सिटी हॉस्पिटल लेके आई। मैं तो घर पे भी नहीं था सर, मैं तो देहरादून जो है अपनी मजदूरी करने के लिए गया था, मैं तो अपनी गुड़िया के लिए न्याय चाहता हूँ, जैसे हमारी गुड़िया के साथ हुआ, उनको फांसी मिले, सजा मिले उनको। डीएम साहब के पास हम इसलिए आए थे कि उनको उनको हमें न्याय मिले, उनको सजा मिले जो भी है। अभी तो डीएम साहब ने हमें जैसे आश्वासन दिया उनको पकड़े जाएंगे, वे जेल जाएंगे, उनको सजा मिलेगी, लेकिन जब तक तुम उनको सजा नहीं मिलेगी हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, हमें भी न्याय चाहिए। तो अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ? अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, उस हॉस्पिटल की जो मैडम है डॉक्टर है वो भी गिरफ्तार नहीं हुई। जब हमने उसके नाम एप्लीकेशन दी, वहां के जो एसओ साहब है उन्होंने 7 तारीख में रात को हमारे पास 12:30 बजे आके पैसे डालते हैं, तुम लड़की को भेजती हो, हमें एक बात में रही है, जब लड़की को पढ़ाया लिखाया कोई कोर्स कराया तो उसे घर में बिठाने के लिए कराया, मुझे एक बात बताइए कौन सा स्टाफ ऐसा है, कौन सा महकमा ऐसा जिसमें लड़की नहीं है, किसी महकमे में लड़की नहीं है, किसी डॉक्टरी लाइन में लड़की नहीं है, या किसी महकमा कोई भी महकमा एक बता दीजिए जिसमें लड़की नहीं है। तो इंस्पेक्टर साहब ने दबाव डाल दिया, इंस्पेक्टर साहब हमारे पास दबाव डाल दी, तुम लड़की को भेजते क्यों हो, तुम क्यों भेजते हो रात को 12:30 बजे आके, ऊपर से हमारी दूसरी लड़की का फोन भी लेते हैं, तुम भी ये फोन दे दो, तुम्हारे फोन की रिकॉर्डिंग निकाल ली। अरे जिसने कोई केस नहीं किया, जिसका कोई जुलम नहीं, उसका फोन कैसे ले रहा है, वो मरी नहीं, उसने उसका जुलम है कि वो अपनी बहन को उठा के लाई, अपनी बहन को उठा के लाई, ये उसका जुलम है, ये उसका जुलम है ना। मोबाइल मोबाइल भी लेके गए इसका, तो इसका वापस दे गए, फिर उस गुड़िया का सीमा का मोबाइल भी लेके गए, मोबाइल भी वापस नहीं दिया, हमारी रिपोर्ट तक नहीं लिखा था, रिपोर्ट तक नहीं लिखी, हम 6 बार उसके पास गए, उसने रिपोर्ट नहीं लिखी है। थाना बेहद गिल कॉलोनी पहुंचे ग्राम ढाई की निवासी खिलाड़ी का 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने को लेकर हुआ स्वागत।
आपको बता दें गिल कॉलोनी स्थित ब्राह्मण समाज के नेता अतुल पाराशर के निवास पर ग्राम ढाई के निवासी खिलाड़ी अंकित शर्मा पहुंचे, जिन्होंने 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए मेडल जीता था। अंकित शर्मा 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने कजाकिस्तान जा रहे हैं, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज ने उनको शुभकामनाएं दी। मेरा नाम अतुल पाराशर है। सर्वप्रथम तो मैं आपका ही धन्यवाद करूं कि आप हमारे जो इशू है या जो भी हम मुद्दे उठाते हैं उसको आप प्रमुखता से अपने चैनल में, अपने प्रिंट मीडिया में स्थान देते हैं, उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। आज जैसा आप लोगों को पता भी है, अंकित शर्मा ये 10वीं पावर वेट लिफ्टिंग एक खेल है जो कि वेट लिफ्टिंग की तरह है, उसमें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था और भारत के लिए इन्होंने ब्रॉन्ज लिया था। तब भी जब ये आए थे हमने इनका स्वागत किया था। अब इस बार ये 11वीं इंटरनेशनल पावर वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व करते कजाकिस्तान जा रहे हैं, और आज से करीब एक महीना पहले मेरे संज्ञान में आया कि अंकित भाई ढाई की गाँव से हैं और ग्रामीण परिवेश में आपको पता है इतने साधन उपलब्ध नहीं है, संसाधन नहीं है कि उस खेल की महंगी के आप देखो तो वेट लिफ्टिंग के जूते जूते अगर शूज़ की बात करें तो वही कई हज़ारों रुपए के होते हैं। फिर कजाकिस्तान जाना, क्योंकि इस खेल को अभी ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। जैसे आपको पता हमारे बहुत सारे ऐसे खेल हैं, कबड्डी था जिसको एशियन ओलंपिक ने भी मान्यता नहीं दी थी, तो इसी प्रकार से ये भी खेल है जिसको अभी ओलंपिक एसोसिएशन ने मान्यता नहीं दी है। तो जिम्मेदारी हो जाती है कि बच्चा स्वयं से करे, लेकिन ये हमारे प्रदेश का या हमारे महानगर का दुर्भाग्य है कि बच्चा जब ब्रॉन्ज लाया पिछले साल तो हमने इसका स्वागत तो करा, लेकिन उसके बाद हमने ये नहीं देखा आगे पीछे कि जो बच्चा अपने संसाधनों से हमारा मान सम्मान बढ़ा रहा था कि वो अब अपनी ट्रेनिंग को कैसे कंटिन्यू कर पा रहा होगा। अब ये मेरा आप सौभाग्य समझिए कि इस तरह के इश्यूज एक सजग नागरिक होने के नाते मैं उठाता भी रहता हूँ, और या मेरे पास प्रभु कृपा से आप भाइयों के सहयोग से मेरे पास आ जाते हैं। तो आज से 1.5 महीना पहले मुझे पता लगा कि भाई कजाकिस्तान जाना और वहाँ पर रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पैसे का मुद्दा है, और एक बच्चा जो जिसको मौका मिल रहा है कि वो राष्ट्र का गौरव बढ़ाए विश्व पटल पे, उसका सहयोग तो होना ही चाहिए था। तो मैंने हमेशा की तरह आह्वान करा और जनपद और जनपद से बाहर के लोगों ने भी अपने अपने स्तर से ब्राह्मण समाज से अलग हट के 36 बिरादरी ने हमारा सहयोग करा, और भाई के लिए भाई के परिवार ने भी अपने, जबकि आर्थिक रूप से उतना संपन्न परिवार नहीं है, उन्होंने भी अपनी तरफ से सहयोग करा। तो आज भाई 13 तारीख को प्रस्थान कर जाएगा दिल्ली से और कजाकिस्तान में हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। मेरी शुभकामनाएं, जैसे भाई ने पहले सम्मान बढ़ाया और सम्मान बढ़ाएगा, लेकिन मैं अंकित भाई को बार बार इस 1.5 महीने में एक ही बात कहता रहा हूं कि भैया हमारा प्रतिभाग खेलों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमारे एफर्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप्स भी भेजूंगा, अभी भी उस तरह के वेट उठा रहा है जो निश्चित रूप से मेडल लेके आ पाएगा। भाई का हमारी इच्छा थी कि भाई की भी इच्छा थी कि वो भी हमारा धन्यवाद करे, हमारे भाई हमारी इच्छा थी कि हम भाई का सहयोग करें ताकि ये पूरे फ्रेश होके और पूरे सुदृढ़ मानसिकता के साथ जाकर प्रतिनिधित्व करे। और मैं पुनः प्रभु से कामना करूंगा, ईश्वर से कामना करूंगा, ये हमारा सम्मान बढ़ा है, हमारे लिए पदक लेके आए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं अंकित भाई को कर रहा हूँ। निश्चित होके बिना किसी दबाव के आप प्रतिभाग करो, अपना बेस्ट दो, वो सबसे बड़ा खेल का एक हिस्सा होता है। मैं अंकित कुमार, जो 11वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में खेलने जा रहा हूँ। माँ का देखो अभी तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ये है कि मैं अपना 100% दूंगा पूरा, तैयारी पूरी है पिछली बार से और तैयारी ज्यादा ही है इस बार। इसके बाद आगे क्या तैयारी है भविष्य का? भविष्य ये है कि मैं इंडिया के लिए खेलता रहूँ, बस इंडिया का नाम ऊंचा करूँ। सुभाष नगर पार्क में श्री सनातन धर्म मंदिर एवं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया योग संस्कार शिविर। आपको बता दें श्री सनातन धर्म मंदिर के नव निर्माण कार्यक्रम की श्रृंखला में श्री सनातन धर्म मंदिर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय योग संस्कार शिविर का आयोजन हुआ। सुभाष नगर पार्क में योगाचार्य पद्मश्री भारत भूषण द्वारा सभी लोगों को योग कराया गया। योग संस्कार शिविर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर डॉक्टर अजय सिंह उपस्थित रहे। धर्म और योग अलग नहीं है, इसका सर्टिफिकेट है आज का है शिविर। सुभाष नगर में एक बहुत पुराना मंदिर जिसका जीर्णोद्धार का संकल्प यहाँ के वासियों ने किया, आज वो मूर्त रूप लेने जा रहा है, और उसमें भगवान कृष्ण का भी क्योंकि मुख्य विग्रह है,
और कृष्ण कहते हैं कि योगस्थक कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग के बिना कर्म नहीं है, तो हमारे कर्म योग सम्मत हों तो हमारी कार्य की क्वालिटी भी बढ़ेगी, हमारी कार्य की जो दिशा है वो भी सकारात्मक होगी, और सबसे बड़ी बात कि सारे कर्म करते हुए भी हम कर्म फल से मुक्त होने का अभ्यास करेंगे। तो आज सुभाष नगर के कुछ सिरफिरे नौजवानों ने, साधकों ने जो संकल्प लिया था वो पूर्ण होते देख करके मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, और मैं इसलिए आज यहाँ आया क्योंकि मैंने उनसे वायदा किया था कि जब आपका ये प्रयास पूर्ण होगा तो मैं ज़रूर उस समय आपके बीच में आऊँगा। और उन्होंने इसका सदुपयोग किया कि इस अवसर को भी गंवाया नहीं, सोचा कि हम तीन दिन योग गंगा यहाँ से बहाएँ, क्योंकि सहारनपुर योग गंगा का ही शहर है। यहाँ से योग की गंगा जब पूरे विश्व को जाती है तो यहाँ के लोग उससे नहाए बिना कैसे रह सकते हैं, तो ये उनका सौभाग्य है। लेकिन मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे अपने शहर में अनुभव साझा करने का जो नशा है वो अलग ही है, और वो मुझे मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। वरना तो भगवान कृष्ण को भी ब्रजमंडल में लोग माखन चोर मटकी फोड़ इसी रूप में जानते हैं, योगेश्वर कृष्ण के रूप में कम जानते हैं, लेकिन मेरे शहर में इन्हें यही जानना चाहिए था। भारत भूषण हमारे शहर का रहने वाला यहाँ मास्टर पंडित विशंबर सिंह जी का लड़का, लेकिन नहीं, इन्होंने उसके अंदर के जो कुछ है उसको पहचाना और वो चाहते हैं कि इससे वो वंचित ना रहें। तो मुझे देश और दुनिया में योग अनुभव को साझा करके जो सुख मिलता है, सच माने उससे बहुत ज़्यादा सुख मुझे अपने घर को संवारने में मिलता है, अपने शहर को संवारने में मिलता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व में जब परम श्रद्धेय परम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने योग को घर घर ले गए हैं, योग को दुनिया भर में उसकी प्रतिष्ठा दिलाने की दिशा में काम किया है, ऐसे में आज भारत का ऋषि मुनियों द्वारा आधारित योग और गुरु शिष्य पद्धति पर आधारित योग संस्थान जो सहारनपुर से ही है, मोक्षायतन योग संस्थान, उसके अधिष्ठाता परम श्रद्धेय योगी भारतभूषण जी द्वारा और इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के सहयोग से राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में जो योग का शिविर है उसमें आज सब लोगों ने भाग लिया। इस वर्ष का जो थीम है, सूत्र वाक्य है विश्व भर में विश्व योग दिवस का, योग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, उसकी भी कल्पना साकार होती हुई यहाँ दिखाई दी। सभी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आज जब विश्व योग को पहचान रहा है, हम अग्रणी बने और अपने देश की जो ख्याति है, अपने देश का जो गौरव है, अपने देश का जो अध्यात्म है, दुनिया भर में स्थापित करने की दिशा में काम करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुरु जी को उनके चरणों में नमन जो उन्होंने आज सबको योग का रसपान कराया। अन्ना डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आई है, आज ये यहाँ पर जो सुभाष नगर में मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके क्रम में आज पहला कार्यक्रम था। गुरु जी को आज हमने आमंत्रित किया और उनके आशीष वचन लिए, और हमारा ये उन लोगों से भी निवेदन है, उन लोगों से अपील है जो लोग घर में बैठे रहे आज, वो लोग आएं और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना स्वास्थ्य लाभ लें। धन्यवाद। डमोला नदी की सफाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे नुमाइश कैंप एवं बेरी बाग कॉलोनी निवासी लोग। आपको बता दें, नुमाइश कैंप एवं बेरी बाग कॉलोनी निवासी लोग वार्ड 47 पार्षद एवं नगर विधानसभा प्रभारी समाजवादी पार्टी अभिषेक टिंकू अरोड़ा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। कॉलोनी निवासी लोगों की मांग थी कि डमोला नदी की सफाई की जाए, क्योंकि बरसात होने के चलते सारा गंदा पानी उनके घरों में भर जाता है। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। मैं विधानसभा प्रभारी टिंकू अरोड़ा हूँ। आज हम संत नगर और सेतिया बिहार के निवासियों के साथ आए हैं। मानसून सत्र आ चुका है और बाढ़ की संभावना हर साल बनती है। पिछले साल पशुधन का, अपनी संपत्तियों का और जान माल तक का नुकसान हुआ है। नदी शील्ड से भरी पड़ी है, ग्राउंड लेवल नदी का और लोगों के मकानों का एक हो चुका है। हम जिलाधिकारी महोदय से मिल रहे हैं कि उस नदी की सफाई तत्काल प्रभाव से कराई जाए, जिससे कि कोई भी जान माल की हानि ना हो। अगर सफाई हुई होती तो इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें, मातृशक्ति और सब लोग आज जिलाधिकारी महोदय को कहने आए हैं। मेरे पास सारे कल के फोटो हैं, वीडियोस हैं, आप पूछ सकते हैं वहीं के क्षेत्रवासी।
मेरा नाम अंकिता है, हम संत रघन निमाशकम के निवासी है। हम कल भी सिंचाई विभाग गए थे इसी पर्पज से कि हमारे डिमोले नदी की सफाई की जाए या गहराई की जाए, उनमें से कुछ भी काम नहीं हुआ। कल भी हम गए, उन्होंने हमें कहा कि कभी ऊपर चले जाओ कभी नीचे चले जाओ, हमारी कोई सुनवाई नहीं। उसकी प्रॉपर हमारे पास वीडियो भी है कि हम गए थे, बकायदा उन्होंने हमारा मजाक बनाया, हंसी मजाक किया कि हाँ भाई ये औरतें घर से फ्री होके आ गई है और हमारा दिमाग खाया, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करते हैं वो। इसलिए आज हम यही निवेदन लेके आए कि हमारे डिमोले नदी की सफाई की जाए और गहराई की जाए, ताकि हमें इतनी परेशानियां ना झेलनी पड़े। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हम लेके हफ्ता भर घरों से बाहर रहते हैं, हमारा सामान सारा खराब हो जाता है, टूट जाता है। हम इतने अमीर लोग नहीं है जो हम बार बार सामानों को बनाएंगे, हम मध्यवर्गीय लोग हैं। संचारी रोग नियंत्रण अभियान में सभी विभाग निर्धारित उत्तरदायित्व का अनुपालन करे, सुनिश्चित जिलाधिकारी। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में संचारी रोगों पर नियंत्रण हेतु अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, 11 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ICDS, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, नगर निगम, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, स्वच्छ भारत मिशन, संस्कृति विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अंतर विभागीय सहयोग द्वारा संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित कराया जाए। संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि नगरीय एवं देहाती क्षेत्रों में साफ सफाई एवं जल भराव निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। लोगों की जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां इस प्रकार से संचालित की जाए कि उनमें संचारी रोग नियंत्रण के प्रति समझ विकसित हो सके। दस्तक अभियान के लिए माइक्रो प्लान बनाते हुए बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि दस्तक अभियान में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के अतिरिक्त स्वयं भी फील्ड में जाकर निरीक्षण करें। लिंक रोड रणजीत नगर की सर्विस लेन से नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले ही व्यापारियों ने हटाया अतिक्रमण। आपको बता दें, लिंक रोड रणजीत नगर की सर्विस लेन से नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले ही व्यापारियों ने खुद अपना अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण का मलबा भी उठवाया जा रहा है। निगम ने सड़क पर बनाए गए चबूतरों को भी 2 दिन के भीतर तोड़े जाने का समय व्यापारियों को दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि अतिक्रमण न हटाया गया तो निगम JCB लगाकर स्वयं अतिक्रमण हटाएगा। ढमोला नदी के किनारे लिंक रोड रणजीत नगर की सर्विस लेन पर कुछ व्यापारियों ने अतिक्रमण कर अपने गोदाम बना लिए थे, जिससे वर्षा की स्थिति में जल निकासी नहीं हो पा रही थी। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने कुछ दिन पूर्व इस क्षेत्र का दौरा कर निगम अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने अवैध असलाह रखने वाले अभियुक्त को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने अवैध असलाह रखने वाले अभियुक्त अजहर को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर, उप निरीक्षक अवशेष भाटी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कर करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक संपन्न। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। DM ने कहा कि विकास एवं निर्माण कार्यों को सतत रूप से जारी रखने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाले राजस्व की 100% वसूली की जाए। DM ने भू राजस्व, परिवहन, स्टाम्प, वन, आबकारी, खनिज, नगर निकाय, कृषि, लोक निर्माण विभाग, वाणिज्य कर, मंडी, बाटमाप, विद्युत एवं अन्य विभिन्न विभागों के लक्ष्य के सापेक्ष वसूली की समीक्षा करते हुए कहा कि जो शासन द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसी के सापेक्ष सभी विभाग प्रगति प्राप्त करें। उन्होंने उपजिलाधिकारियों से कहा कि विद्युत की RC वसूली 100% सुनिश्चित कराएं, तहसीलदार वसूली पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि राजस्व वादों में दायरे के अनुसार निस्तारण सुनिश्चित कराएं, साथ ही पुराने वादों का निस्तारण सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर एवं विद्युत की कम वसूली होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, विद्युत चोरी करने वालों को चिन्हित कर पुलिस प्रशासन से सहयोग लेकर कार्यवाही की जाए।
चित्रकूट जेल में बंद पूर्व एमएलसी महमूद गैंगरेप के मामले में सहारनपुर कोर्ट में हुआ पेश। आपको बता दें, मिर्जापुर थाने में दर्ज गैंगरेप के मामले में पूर्व एमएलसी महमूद को सहारनपुर कोर्ट में पेश किया गया। चित्रकूट पुलिस पूर्व एमएलसी को लेकर दीवानी कचहरी पहुंची, जहां पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए प्रियंका वर्मा कोर्ट में पेश किया गया। यहीं पर मामले की सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह के मुताबिक वर्ष 2022 में पूर्व एमएलसी महमूद व उसके भतीजों के खिलाफ एक महिला ने गैंगरेप का मुकदमा मिर्जापुर थाने में दर्ज कराया था। घंटाघर पर कठुआ में शहीद हुए 5 सैनिकों को कांग्रेसियों ने मोमबत्ती जलाकर दी श्रद्धांजलि, 2 मिनट का रखा मौन। आपको बता दें, जिलाध्यक्ष संदीप राणा एवं महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता घंटाघर स्थित शहीद आजम सरदार भगत सिंह के स्मारक पर एकत्रित हुए। कांग्रेसियों ने जम्मू के कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए 5 जवानों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेसियों ने 2 मिनट का मौन भी रखा, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। देखिए, आज हम जो हमारे नौजवान शहीद कटरा में हुए हैं, जिन्होंने शहादत दी है, आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और हमने सब लोगों ने मिलकर मोमबत्ती से उन्हें श्रद्धांजलि दी और मौन व्रत रखा। क्या कुछ मांग करते हैं शहीदों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शहीदों को सम्मान नहीं मिल पाता है? देखिए, इस सरकार से हम सबसे बड़ी मांग ये करते हैं कि अगर हम अपने घरों में सुरक्षित है, आज सही तरीके से हमारा देश शांति की तरफ जा रहा है, तो वो सब इन सैनिकों के, इन शहीदों के दम पे है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी जितना भी जोर लगाकर इनकी सहायता की जा सके, हर तरीके से उनकी सहायता करनी चाहिए। उनके परिवार वालों को, उनके नहीं और परिवार वालों को भी ये लगना चाहिए कि हाँ, शहीदों को सम्मान किस तरीके से दिया जाता है। ऐसा हम चाह रहे हैं कि जो सरकार है वो हर तरीके से इनके मदद करे। कहीं ना कहीं अग्निवीर जो भर्ती हो रही है, राहुल गांधी अखिलेश यादव विरोध करते हैं, क्या लगता है इसे अग्निवीर होनी चाहिए? देखो, अग्निवीर का तो सबको पता है कि अग्निवीर करके इन्होंने नौजवानों का भविष्य और खतरे में डाल दिया है। पहले ही बेरोजगारी इतनी थी, 4 साल बेचारे वो जैसे तैसे रोजगार मिलता है उन्हें, 4 साल के बाद उनकी पूरी लाइफ डैमेज समझ लो, वो कुछ नहीं कर पाते। 4 साल के बाद कोई उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, किसी तरीके से वो किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो पाते। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये अग्निवीर नहीं, एक बेरोजगारी का इन्होंने संगठन खोल दिया। देखिए, आज हम जो हमारे नौजवान शहीद कटरा में हुए हैं, जिन्होंने शहादत दी है, आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और हमने सब लोगों ने मिलकर मोमबत्ती से उन्हें श्रद्धांजलि दी और मौन व्रत रखा। क्या कुछ मांग करते हैं शहीदों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शहीदों को सम्मान नहीं मिल पाता है? देखिए, इस सरकार से हम सबसे बड़ी मांग ये करते हैं कि अगर हम अपने घरों में सुरक्षित है, आज सही तरीके से हमारा देश शांति की तरफ जा रहा है, तो वो सब इन सैनिकों के, इन शहीदों के दम पे है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी जितना भी जोर लगाकर इनकी सहायता की जा सके, हर तरीके से उनकी सहायता करनी चाहिए। उनके परिवार वालों को, उनके नहीं और परिवार वालों को भी ये लगना चाहिए कि हाँ, शहीदों को सम्मान किस तरीके से दिया जाता है। ऐसा हम चाह रहे हैं कि जो सरकार है वो हर तरीके से इनके मदद करे। कहीं ना कहीं अग्निवीर जो भर्ती हो रही है, राहुल गांधी अखिलेश यादव विरोध करते हैं, क्या लगता है इसे अग्निवीर होनी चाहिए? देखो, अग्निवीर का तो सबको पता है कि अग्निवीर करके इन्होंने नौजवानों का भविष्य और खतरे में डाल दिया है। पहले ही बेरोजगारी इतनी थी, 4 साल बेचारे वो जैसे तैसे रोजगार मिलता है उन्हें, 4 साल के बाद उनकी पूरी लाइफ डैमेज समझ लो, वो कुछ नहीं कर पाते। 4 साल के बाद कोई उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, किसी तरीके से वो किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो पाते। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये अग्निवीर नहीं, एक बेरोजगारी का इन्होंने संगठन खोल दिया। चिलकाना क्षेत्र में एक बार फिर नाव के सहारे यमुना पार के ग्रामीण नाव के जरिए कर रहे यमुना पार। आपको बता दें, यूपी की 2 ग्राम पंचायतें सौंधेबास व गयाजुद्दीनपुर यमुना पार पड़ती है। ग्रामीण आज़ादी से अब तक बरसात के मौसम में 4 महीने नाव का ही सहारा लेते हैं। ग्रामीणों का कहना था कि आज़ादी के बाद से जितने भी जनप्रतिनिधि आए, वो चुनाव में पुल बनाने का वादा कर गए, फिर 5 साल पीछे मुड़कर नहीं देखा। बरसात के इन 4 महीनों में क्षेत्रवासियों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है।
पूर्व प्रधान गयाजुद्दीनपुर डॉक्टर बिजेंद्र चौधरी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यमुना पर पुल न होना हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन वर्तमान विधायक मुकेश चौधरी और पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी के अथक प्रयासों से पुल स्वीकृत हो गया था। जिस प्रकार चल रहा है लगभग एक साल और पुल को पूरा होने में लग सकता है, फिर यह समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। वहीं समाजसेवी बिजेंद्र सैनी ने बताया कि बरसात के मौसम में हमारी दोनों ग्राम पंचायतों का जिले से संपर्क कट जाता है और दैनिक जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान विधायक मुकेश चौधरी ने सरकार द्वारा पुल को स्वीकृत कराकर पुल पर कार्य शुरू करा दिया है, जो तेजी से चल रहा है और जल्दी से पुल तैयार हो जाएगा और लोगों का आवागमन बरसात में भी चलता रहेगा।